राम राम जी, स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। तो फिर शाम के बज गए हैं, चार बजने हो रहे हैं और सोनू आज सवेरे का जल्दी जा रहे, तो फिर वो खाना आज लेके कौन गया, बस खा गया था। तो फिर वो जल्दी आए जाएगा, मतलब घंटा दो घंटा मोर आज तक मैं तैयारी करूँ खाने बनाने की। और देखो मैं ना कुछ बेल लेके आई हूँ, अंगूर की बेल लेके आई हूँ मतलब नर्सरी में। तो फिर यह मैंने लगा दिया है ड्रम में लगाने, मतलब यह गमले में कौन लगाया करती, क्यों हमारा ऊपर नीचे ज़मीन में तो यानी भी लाग जाए, तो फिर ऊपर तो कोई बड़ी चीज़ चाहिए। तो उन्हें बोला भी किसी बड़ी चीज़ में लगा दी, दिखाऊँ आपने। तो देखो यार, इसमें ये ड्रम में पूरी मिट्टी माट लगा कर कुछ खाद खुद मिलाकर फिर लगा दी है हमने। और एक ये पौधा ले आई, इनके गमले पीछे ले आने, क्योंकि एक बार इन उगे पीछे फिर गमले में सेट करूंगी ताकि खराब ना हो जाइए। गमले ले आने रह रही हैं इतना इनके जो छोटे मोटे पौधे हैं उनके। और ये मैं बनाऊँ कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी, फिर चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। देखो आप मैं किस तरह बनाऊँ कढ़ी, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है और मिर्च डाल ली है थोड़ी सी, क्योंकि वो मैं बेसन, मतलब पहले पकौड़े छोटी पकौड़ी बनाऊँ उसका बेसन तैयार करूँ ना, तो इस वास्ते सॉरी तो वे पे लग गया था। मैं बेसन डाल लूँगी थोड़ा सा, मैं ऐड करूँगी मेथी, क्योंकि मेथी बिना तो कढ़ी अधूरी है, क्योंकि बेसन में भी थोड़ी बहुत मेथी, मैं प्याज भी उसको डाल, नॉर्मल सीधे सिंपल ही पकौड़े बनाऊंगी। हल्की इसमें मेथी ऐड कर दूंगी मैं और बस इसमें पानी डाल के घोल लूंगी, जो पकौड़िया का हिसाब तैयार करना ना अपने। और कढ़ाई ऐड मैंने गर्म कर दी, बिल्कुल गर्म होगी कढ़ाई, और मैं इसमें तेल डाल दूँ। तो पहले पकौड़े के लिए तैयार कर लिया आप। ये देखो मैंने पकौड़े के हिसाब से घोल लिया है और मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया, क्योंकि हम दो जने के हिसाब से बनाने, तो थोड़े से पकौड़े डाल लूंगी। और सोनू इतने खास कड़ी में पकौड़े पसंद भी कौन, मैं तो खा ली हूँ उसने कौन। तो फिर ये थोड़ा ही लिया मैंने, आप जितने हो उसके हिसाब से आप ज्यादा कम ले सको। और तेल बस मेरा गर्म होने वाला है, हो गया मेरा गरम, मैंने थोड़ा सा डाल के देख लिया। अभी मैं छोटे छोटे से पकोड़े डाल दी इसमें, बिल्कुल छोटे छोटे से डाल दूंगी। तो ये भी इन पकौड़िया ने आप थोड़ा बहुत फेर लिया, क्रिस्प क्रिस्पी हो गए बिल्कुल। तो वेट करा जब तक ये पूरे पक जाए अच्छी तरह से, इतने भी नहीं कि काले हो जाए जमाए, वो पक हैं। तो आप बेसन जब तक कढ़ी का तैयार करना है, देखो मैंने इसमें पकौड़े बनाए, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया मैंने और इसमें बेसन डाल दिया, तो इसे मैं जोड़ लेवाँगे आप। और मैं कढ़ी में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला ऐड कौन कराया कर दी, क्योंकि जितने सिंपल कढ़ी बनाया जाए उतनी ठीक होगा। तो यो थोड़ा सा बेसन थोड़ा सा और ले लूँगी मैं, बस इतना बेसन ले लिया। और दही, दही की कढ़ी बहुत बढ़िया बनाया करें, तो मैं यह दही ले लूँगी, यह रख दूँ मैं, शाम में जामुन लगाऊंगी। और ये भी इसमें आप ऐड कर लेंगे लाल मिर्च और हल्दी, नमक लास्ट में डाल लिया करूँ जब कढ़ी में उबाल आ जाए, क्योंकि कढ़ी उस तक फटे को नहीं, अगर पहले नमक डाला ज़्यादा फटने के चांस रहा। मैं थोड़ी हल्दी और ऐड करती हूँ उसमें। देखिए अपने पकोड़े भी अच्छी तरह से पक गए, एक साइड तर पक गए, बस एक साइड तरह नहीं पक जाएंगे ना, एक बार उतार दूँ मैं। तो ये पकौड़े मैं इसमें कर दूँगी, जी मैंने गैस कर दिया बंद, जब तक आप इसमें ना मिला ले अच्छी तरह, इसमें थोड़ा पानी डाल दूँ मैं। और क्योंकि जितना ये पतला होगा ना उतनी बढ़िया कढ़ी बनेगी, जितना पतला होगा बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा, नहीं एकदम घुट जाएगा ये पतला पतला होकर।
और मैं हाथ के साथ मिलाना पसंद करूंगी क्योंकि हाथ के साथ में सही कम्फर्टेबल तो मिलाया जाए, मतलब सही हो जाए। चम्मच के साथ मिलाना चाहो चम्मच के साथ मिला लो, वैसे तो वो भी ग्राइंडर वगैरह भी उसके साथ मिला लो आप, लेकिन मैं हाथ के साथ ज़्यादा वो होगा कम्फर्ट में। देखियो इतना पतला करना है और इतना पतला ही, बिल्कुल ही स्मूथ स्मूथ सा हो गया, बिल्कुल इसमें कोई लम्स नहीं है बेसन वगैरह के को कुछ भी, इतना पतला रखना। तो कड़ी छोक दिया पापा और यार फिर तो मैंने गैस बंद कर रख दिया पकौड़े बनाने के बाद, फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया, वैसे तो उबल गया है ऑयल लेकिन एक बार थोड़ा सा और गर्म हो जाए क्योंकि ठंडा हो गया था, उबला हुआ ऑयल है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देवांगे आप एक चुटकी ऑयल में। वैसे तो कहने लग रही पकौड़े बना ली थे आपा ने तो उबला हुआ ऑयल है, लेकिन फिर भी तसल्ली खातर एक बार नमक डाल दूँ मैं थोड़ा, इससे थोड़ी सी स्मेल को नहीं आ ऑयल की। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी थी पहले और ये मैं थोड़ी सी इसमें भी ले लूँ क्योंकि है ना इससे थोड़ा एक कलर आ जाए और हम थोड़ा चटक सी खा कर मतलब थोड़ा तेज खा कर चरचरा अच्छा। और इसमें मैंने चीर लिए हैं प्याज और लहसुन, लहसुन और प्याज कड़ी में बहुत, प्याज मतलब नॉर्मली डालना है लेकिन लहसुन ज़रूर डालना चाहिए कड़ी में। टमाटर तो मैं डाले कौन करती, टमाटर तो कड़ी में मेरे ख्याल में कोई कौन डाले करता। और अगर इसमें जीरे की बजाय आप मेथी का छोक लगावा ना, मतलब कि दाने वाली मेथी का और जीरे का मिक्स करके तो और भी बढ़िया बना, लेकिन इस टाइम मेरे पापा ख़त्म होती तो आप जीरा ही डाल देंगे इसमें सिर्फ, तो मैंने जीरा डाल दिया इसमें, जीरा भून जाएगा फिर अब प्याज डाल देवांगे। देखो जीरा भून गया है, ये प्याज और ये लहसुन वो डाल दिया। और ये डाल देवा लाल मिर्च, मिक्स कर लेवा इसमें आप, नमक मैं बेकून डालू, नमक उबाल आए पीछे डालूंगी क्योंकि मैंने बताया आपसे कि इससे ज़्यादा फटन फुटन का डर होगा कभी, कई बार फट नहीं जावा है नमक की वजह से। नमक लास्ट में डालें भाई, कोई दाल भी दे वो अपनी मर्जी, तो वो तो आप पीछे भी ओम शोर मचावा है खेले लाग रहे। और प्याज कड़ी में मैं लंबे काटा करूँ, लंबे वाले बारीक को नहीं काटा क्योंकि लंबे लंबे प्याज बढ़िया लगा कड़ी में। प्याज देखो अच्छी तरह भून गए हैं और ये वापस में डाल दें जो अपन ने तैयार किया था कड़ी के लिए। इसमें चला लिया, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूं मैं इसमें क्योंकि पीछे कटोरे के लिए, और जल्दी से इसमें चला लेवांगे, चलाते रहना क्योंकि कड़ी फट ना जाओ। जब तक उबाल नहीं आ जब तक लगातार इस तरह चलाते जाओ, मतलब मैं तो इस तरह ही करा करूँ। आज मैं अपने मेरी स्टाइल से कड़ी बनाना सिखाऊँ, मेरे स्टाइल तो सीखियो आज और फिर बना कर देखियो स्टाइल तो एक नंबर की लगेगी। इबे देख रहे हो कड़ी में कितना बढ़िया कलर आ गया है, उबाल आ गया है दिखा अपना। और भी नमक डाल दूं मैं, आप टेस्ट के अनुसार अपने नमक डाल लूं बस। और जो कसूरी मेथी है
क्योंकि कसूरी मेथी तो कड़ी की जान है। व्योम पीछे भी हम शोर कर रहे, मन अच्छी लगे कर कसूरी मेथी कड़ी में हुई कि आलू की सब्जी में हुई। देखो ये भी अब बने जाओगी जब तक। मैंने बीच में एक बात और बताऊँ, मैंने बीच में पानी और डाल दिया था इसमें क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी होना इसमें ज़्यादा। फिर ये बस उबड़ उबड़ के बन जाएगी जब तक मैं आटा गूंद लूँ, आटा गूंद कर रेडी कर दूँ, फिर कढ़ी बनी पीछे मैं चावल बना दूँ, फिर आपने बताऊँगी कि कैसे बने हैं कढ़ी चावल। साथ में आप पकौड़े भी डाल दें इसमें। क्योंकि पकोड़े थोड़े से जो आप नॉर्मल बेसन के अगर प्याज वगैरह के बनाओ तो सॉफ्ट पकोड़े हो जाए, लेकिन जो आप नॉर्मल सिर्फ बेसन बेसन का वो कराएं तो ज़्यादा वो हो जाए, बिल्कुल टाइट टाइट हो जाए क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो फिर इस वास्ते इस कढ़ी में डालने के बाद उबल के ये थोड़े बहुत बिल्कुल हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, तो फिर बढ़िया लगेंगे। इस वास्ते मैंने डाल दी साथ में। ठीक है, फिर बाद में मिलूँ आप। तो ये अपनी कढ़ी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है और देखो कितना बढ़िया टेक्सचर आया इसका। और मैं टेस्ट करके देखिए, एक नंबर की हो रही है, बिल्कुल एक नंबर की। व्योम चुप हो जा बच्ची, रो मत। और पकोड़े जो मैं कहूँ थोड़े टाइट टाइट से हैं, लेकिन वो कढ़ी में जाए एकदम बिल्कुल लेवल की हो गई, बिल्कुल बढ़िया हो गई है देखो। और अब मैं चावल बनाऊंगी, फिर मैं नहा के आऊंगी। तो फिर मैंने एक चावल चढ़ा दिए, कढ़ी आपने देखा बनेगी थी। और व्योम ने मैं छोड़े ही नीचे क्योंकि वो रोवा था, मतलब उसका नहीं होता शाम होने तो बस अंडन अंडन की लागी रहा उसका, क्योंकि मेरा पट गया बोल दिया। तो फिर मम्मी उसने लेके जा रही है अंडाणी अडरजारा जूर पे को। और मैं इब नाली फिर ना का मैं रील्स बनाऊंगी और मैं रील्स नहीं डाल दूंगी जो मैंने बनाई, आप देख लियो ठीक है, चेक कर लियो। और मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप चेक कर सको, मेरे इंस्टाग्राम का नाम है मिसेज चैल 17, तो इंस्टा पर सर्च करके आप देख सको ठीक है ना। चावल मैंने बना दिए हैं और मैं ना भी लियूं, मैंने रील्स भी बना ली है, मैं अपने चावल दिखाऊं एक बारी। प्रेम कहानी तेरे हवाले कर दी। देखो चावल बन गए मेरे, करके जरूर बताई मेरी कढ़ी की रेसिपी आपने किसी लगी, और बना कर भी देखो एक नंबर की बनेंगे। और जो मैंने रील्स बनाई थी मैंने डाल दी है मैंने वे, तो आप कमेंट करके बता दियो किसी बनी है और चेक कर लियो इंस्टाग्राम पे जाकर ठीक है ना। तो फिर आज का ये छोटा सा व्लॉग ही एंड करते, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। मैं रोटियां बना ली, बाय।